से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉर्ड फैकल्टी के डीन डॉक्टर शकील समदानी साहब। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आज के युग में लॉ की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितनी जरूरत है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपने हर लेक्चर में जहां मुझे टाइम होता है लॉ की इम्पोर्टेंस को बताता हूं। आपको मालूम है कि मैं प्रोफेसर के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, तो मैं अपने हर जलसे में इस बात का खास ख्याल रखता हूं कि एक 7-8 मिनट इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ पे मैं बोलूं। और उसकी वजह ये कि मेरे अपने ख्याल में दुनिया के 5 बेहतरीन प्रोफेशंस में से लॉ एक प्रोफेशन है। चाहे USA में आप लें, चाहे UK में लें, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में लें, हिंदुस्तान में लें, जो 5 टॉप के प्रोफेशन हैं, जो आला तरीन प्रोफेशन हैं, उसमें कानून का पेशा भी है। और उसकी वजह यह है कि आज का आदमी इतना इंटॉलरेंट हो गया है, सोसाइटी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, इवन कि फैमिली मैटर्स हों, चाहे कोई भी मैटर हो, सर्विस मैटर हो, हर जगह आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसको इसलिए कानून का सहारा लेना पड़ता है। और ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबकात हैं, जो दलित वर्ग है, जो OBCs हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, किसी भी मुल्क की माइनॉरिटीज़ हों, उनके लिए कानून का पेशा इंतहाई अहम हो गया है। उसकी वजह यह है कि अगर वो कानून नहीं जानते तो वो अपने इंसाफ को हासिल नहीं कर पाते। क्या हमारे संविधान में माइनॉरिटीज के लिए या OBCs के लिए या दलितों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है? स्पेशल प्रोविजन है, आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14, वो ये कहता है कि सबको बराबरी होगी। यहां पर वहां दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून की निगाह में सब बराबर हैं और कानून का संरक्षण सबको बराबर से हासिल है। और उसी के बाद आर्टिकल 15 में और 16 में स्पेशल प्रोविजंस का जिक्र है कि जो कमजोर तबकात हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वीमेन हो, उनके लिए खसूसी संविधान में खसूसी मराद का जिक्र किया गया है। और उन्हीं मराद की बुनियाद पर, उसी की बुनियाद पर हमारे यहाँ दलित भाइयों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, OBCs को मंडल कमीशन में 27% आरक्षण मिला हुआ है, और उसी की बुनियाद पर औरतों को आरक्षण मिल रहा है। तो इसका प्रोविजन हमारे यहाँ मौजूद है। और ये भी है कि अगर सरकार ये समझती है कि कोई तबका टोटल पिछड़ गया है, पूरा तबका, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कानून में बनाए जा सकते हैं। ये 15 और 16 में आरक्षण का प्रावधान है, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को मुल्क में फायदा हो रहा है। आप जिस अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जो संविधान जो बना हुआ है उसमें कोई कास्ट के बिहाव पर नहीं, बल्कि आपने कहा कि वीकर सेक्शन, जो भी कमजोर होगा, वो चाहे अगड़ा हो या पिछड़ा, उसको मिल सकता है? नहीं तो उसमें दिया हुआ है ना, देखिए उसके लिए सरकार ने कमीशन्स बनाए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया है। जैसे शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन दे दी गई कि दर्जे फेरी जातों में, अनुसूचित जाति में कौन का आता है, शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन दे दी गई है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए बहुत से कमीशन बने, आखिर में मंडल कमीशन बना। तो मंडल कमीशन ने हिंदुओं को भी दिया है, मुसलमानों को भी दिया है। मंडल कमीशन के हिसाब से तकरीबन 8% के करीब मुसलमान आते हैं उसमें। अब ये एक अलग बात है कि 8% आपको नहीं मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 2.5% मिल रहा है, 8%, लेकिन तो वो तो हमारी कमजोरी, हमारे पॉलिटिकल लोगों की कमजोरी है। क्योंकि जब वो मुसलमानों में OBC को, आपको हैरत होगी, मुसलमानों में जब OBC की तो कोई बात ही नहीं हुई, जबकि मुसलमान मंडल कमीशन में था, आ रहा था, लेकिन उसके लिए किसी ने कोशिश नहीं की। वो तो VP सिंह ने कर दिया तो उसके बाद बात उठी, वरना कभी मुस्लिम की तरफ से आवाज नहीं उठी कि बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है मंडल में जो है उससे मुसलमानों को दिया जाए। ये तो माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन में कोई स्पेशल प्रोविजन है कि वो अपने आप को सेफ कर सके एजुकेशन के तौर पे? क्या कोई है संविधान में ऐसी गारंटी? एजुकेशन में तो बहुत बड़ा है, आर्टिकल 30 पूरे का पूरा माइनॉरिटीज के लिए है। ये वाहिद प्रोविजन है जो सिर्फ माइनॉरिटीज की एजुकेशन की बात करता है।
और न सिर्फ ये बात करता है बल्कि कहता है कि माइनॉरिटीज अपनी पसंद के इदारे कायम कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं बना सकते हैं, उनको चला सकते हैं और सरकार से मदद हासिल कर सकते हैं। भाई जितने भी आज कॉलेजेस चल रहे हैं हिंदुस्तान में, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन सबके जो इदारे आर्टिकल 30 में चल रहे हैं, आर्टिकल 30 की वजह से ही चल रहे हैं। और उसमें यह कहा गया है कि न सिर्फ आपको बनाने का अख्तियार है बल्कि चलाने का भी अख्तियार है, और सरकार सिर्फ इस बिना पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि वहां पर एक स्पेशल माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 30 से बड़ा तो हथियार हमारे पास एजुकेशन में कोई है ही नहीं, और ये एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी के लिए है, ये मेजॉरिटी के लिए नहीं है। और इसलिए बहुत से इतराज करते हैं कि साहब ऐसा क्यों है कि माइनॉरिटीज को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है, इस अधिकार का हम कोई फायदा ना उठाएं, हम पूरे वेस्टर्न यूपी में कोई यूनिवर्सिटी ना बनाएं, हम पूरे पूरे सूबे में सोते रहें, तो ये हमारी कमजोरी है। ये अधिकार तो हमें मिला हुआ है और ये मौलिक अधिकार में आता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, लिंग्विस्टिक जो कमीशन भारत सरकार ने बनाया, तो उसमें किसी भी मजहब का कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, केरला वाला यहाँ आकर यूनिवर्सिटी बना सकता है, हिंदी वाला केरला में जाके बना सकता है, तो कोई स्पेशल प्रोविजन तो है नहीं, कहीं इनके लिए है कहीं उनके लिए है। वो जिस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 29 की बात हो रही है, 30 में 30 की बात दूसरी है, 29 जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, वो लैंग्वेज की बात कर रहा है, सेकंड लैंग्वेज की। मैं 30 में एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जहां भी स्टेट गवर्नमेंट आपको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर देगी वहां पर आप बना सकते हैं, किसी स्टेट में डिक्लेयर नहीं करा पा रहे हैं तो या तो आपकी आबादी कम होगी या आप पॉलिटिकली कमजोर हैं। आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी में हर चीज पॉलिटिकली मजबूत होने की होती है, तो माइनॉरिटीज को हासिल है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, दोनों को हासिल है। एक आदमी आज जब आप देख रहे हैं कि लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं, एक आदमी जब फंस जाता है तो वो अपना दिफा कैसे करे, अपना डिफेंड कैसे करे, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, क्या संविधान में कोई ऐसी चीज है? देखिए ऐसा है कि ये जो हुजूमी तशद्दुद है या लिंचिंग जिसको आप कहते हैं, ये जब होती है तो अक्सर ऐसी जगह पर होती है जहां पर उस तबके के या तो लोग बहुत कम होते हैं या बहुत ही वीक होते हैं। अब मान लीजिए 3 आदमी को 2 आदमी को 20 आदमी ने पकड़ लिया और वो मार रहे हैं और वहाँ पुलिस भी नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तो उसके पास कोई चीज़ नहीं बची सिवाय इसके कि वो पिटता रहे। ये एक मजबूरी होती है। अब इसमें तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के लिए तो ये है कि वो वहाँ पर जाए, लेकिन मान लीजिए ड्यू टू एनी रीज़न लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को पता नहीं चला कि यहाँ पर ये हो रहा है या बाद में पता चला, तो उस दौरान तो कोई भी आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, वो सिवाय दुहाई देने के क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो उस वक्त तो हेल्पलेस होता है। अगर हेल्प उसकी आ जाए तो लिंचिंग हो ही नहीं सकती। कई जगह ये हुआ कि लिंचिंग शुरू हुई, मारना पीटना शुरू हुआ, लेकिन लोगों को मालूम हो गया, वो लोग वहां पर आ गए और आने के बाद बचा लिया उन्होंने, और एक आध दो कैसे हमने सुना कि उन्होंने उन्हीं लोगों को पीट दिया जो ये कर रहे थे। एक तो ये कि स्पॉट अपने आप के डिफेंड का कोई रूल है, कोई प्रावधान है? रूल क्या है भाई, हाथी राइट टू लाइफ, राइट टू डिफेंड हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी मौजूद है 96 से लेके 106 में, सेक्शन 96 से 106 इंडियन पिनल कोड में है, अपने को बचाने का हक है, अपनी प्रॉपर्टी बचाने का हक है। लेकिन मॉब लिंचिंग अक्सर वही होती है जहां कोई होता ही नहीं। मान लीजिए 2 आदमी को 20 आदमी मार रहे हैं तो वो 2-4 मिनट तो रजिस्ट करेगा, फिर हाथ पैर जोड़ेगा, फिर बचाएगा, वहां पर तो कुछ होता ही नहीं उसके पास, वो तो हेल्पलेस होता है। उसके बाद हो सकता है, या उससे पहले ये कि अगर उसको खतरा है कि भाई हमारे एरिया में तशद्दुद हो सकता है, हिंसा हो सकती है, मॉब लिंचिंग का खतरा है, तो भाई आदमी अकेले जाए नहीं, जाए तो टुकड़ियों में जाए, कुछ डिफेंस का इंतजाम करे, कुछ मोबाइल रखे, कुछ सारी चीजें। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो उसको खुद करनी है, और उसको ये पता नहीं होता कि कब मॉब लिंचिंग हो जाएगी, तो उस वक्त तो वो कुछ नहीं कर सकता। बच गया तो उसके जिन लोगों ने किया उनको पनिशमेंट मिल सकता है, वो पुलिस में जा सकता है, वो अदालत में जा सकता है, वो बयान दे सकता है, वो मीडिया में जा सकता है। लेकिन जिस वक्त वो हेल्पलेस पिट रहा है तो यही हो सकता है कि जो लोग देख रहे हैं वो बचा ले तो बचा ले, नहीं तो कोई बचाने वाला होता ही नहीं वहां पर, वहां तो पब्लिक के सामने कौन बोले। और पब्लिक भी हमारे मुल्क की ऐसी खराब है कि वो भी वाह वाह करने लगती है। अगर मान लीजिए किसी को चोर पकड़ के मारने लगे तो जो भी आदमी वहां से गुजरेगा कहेगा और मारो, वो बिना सोचे कि भाई मारा क्यों जा रहा है।
कई बार अहमद साहब ये हुआ कि मुझे मैं गुजर रहा हूं, देखा भीड़ लगी हुई है, कोई किसी को मार रहा है, पता चला कि कोई पूछ ही नहीं रहा, सब कह रहे और मारो, एक ने कह दिया चोर है तो सब। अक्सर हमको, हमने बीच में इंटरवीन किया है अपनी जान को जोखिम में डाल के, उतरा हूं कि भाई मामला क्या है, किसी सूरत से जान बचाइए। एक बार जौनपुर में एक रिक्शे वाले को 3 लोग बुरी तरह से मार रहे थे, हम गुजर रहे थे, मैं 10 बरस के बाद किया था, शहर में घूम रहा था, अपना शहर है, मैं वहां पूछा मैंने क्यों मार रहे, कहले साहब इसने जो है हमको लाके मार दिया पीछे से। तो मैंने कहा भाई कितना मार चुके हो, अधमरा हो गया है वो, मैंने यकीन मानिए ना, मुझे पता था कि हिंदू है कि मुसलमान है, ठाकुर है, पंडित है, क्या है, मैंने उसको बचाया, मैंने कहा भाई मैं गाड़े, मुझे भेड़े कहने छोड़ो, मैं जबरदस्ती इंटरवीन किया, उसको बचाया उसको हाथ से, तो पता चला कि इतना कसूर था कि उसकी टायर से लग गया था, और तीनों लोग अपर कास्ट के थे, उन्होंने मरना शुरू किया बिल्कुल, अब वहां दबंग ही चलती है उनकी, एक एक मखसूस बिरादरी की, उनका साले तूने ये नहीं देखा, और ये कहकर मारना शुरू कर दिया। तो पब्लिक की भी इतनी जिम्मेदार है कि जो लोग देख रहे हैं उनके दिल में ना तो रहम है नहीं कोई इंसानियत है कि बचाने की कोशिश करें, और ये तो कभी कभी ये होता है कि वो इतना डर जाते हैं मॉब से कि खामोश रह जाते हैं और मॉब लिंचिंग हो जाती है। सर एक यूनिवर्सिटी से आपके जुड़ा हुआ सवाल है, सर सैयद के चमन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, जी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ लॉ प्रोफेसर? लॉ प्रोफेसर के तौर पर मैं ये कहूँगा कि सर सैयद अलरहमा बजाते खुद लॉ जानते थे, वो सब जज थे, लॉ जानने की वजह से उन्होंने कम से कम 3 बड़े कानून हिंदुस्तानियों के लिए पास कराए, लॉ जानने की वजह से काजी एक्ट पास कराया उन्होंने, लॉ जानने की वजह से उन्होंने मुसलमानों और हिंदू यानी इंडियंस की बहुत बेहतरीन नुमाइंदगी की, और उनके बेटे जस्टिस महमूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत ही शानदार जज थे, उनके दिए हुए फैसले आज तक सुप्रीम कोर्ट ने शायद ही कोई फैसला ओवर रूल किया हुआ हो, वरना सारे फैसलों को सुप्रीम कोर्ट मिन अन मान रहा है। तो एज ए लॉ ग्रेजुएट, एज ए लॉ का प्रोफेसर, एज ए डीन फैकल्टी ऑफ लॉ एमयू, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सैयद अलरहमान जिनको आज मुत्तफिका तौर पर हिंदुस्तानी आम तौर पर और मुसलमान खास तौर पर यह मानते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत काम किया, तालीम के लिए बहुत काम किया, माशरे को चेंज करने के लिए बहुत कुछ काम किया, और बहुत कुछ किया उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए, जब वो लॉ को इतना ज्यादा मानते थे कि खुद भी वो लॉ पूरी लाइफ प्रैक्टिस किया उन्होंने, उसके बाद अपने बेटे को जज बनाया उन्होंने, और आज से तकरीबन 137 साल पहले लॉ कॉलेज बनाया उन्होंने, जब हिंदुस्तान में सिर्फ लॉ कॉलेज थे, 7 लॉ कॉलेज थे इंडिया में, उस वक्त हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट था वो था। तो सर सैयद लॉ को बहुत चाहते थे। मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जो कमजोर लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, अगर उनको इज्जत का मकाम हासिल करना है तो उन्हें अपने अच्छे बच्चों को लॉ की तालीम देनी पड़ेगी, और उन बच्चों को अच्छा वकील बनाना पड़ेगा। अच्छा वकील जब वो बनाएंगे तो वही आगे जाके जज बनेंगे। और दूसरी बात, बहसियत हिंदुस्तानी, बहसियत अलीगढ़ियन, मैं कहना चाहूंगा कि सर सैयद ने हमेशा आवाम के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, तालीम के लिए काम किया। तो आज मेरा पैगाम अलीगढ़ियन से और नॉन अलीगढ़ियन सभी के लिए है कि खुदा के लिए सामाजिक कार्यों में आप आइए, सामाजिक कार्यों में आइए। सर सैयद ने जब सर सैयद तालीम की बात कर रहे थे तो उनके कुफ्र के फतवे लग रहे थे, क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल सच है। तो वो तो आज भी है, आज भी जिस स्थिति में जो भी अच्छा मुसलमान काम कर रहा है उसके पीछे वही लोग दुश्मन है। जाके आप सर्वे कर लीजिए, नॉर्थ इंडिया का कम से कम यही है, ये कोई ठग, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन ऐसा है कि वो फतवे आए वो काम करते रहे, अपना काम करने वाला इसकी परवाह नहीं करता कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन अपोज कर रहा है। अल्लाह ने उनके काम को कबूल फरमाया, आज उन्हीं को जिन लोगों ने फतवे दिए थे, जिनके दादाओं ने नानाओं ने, आज उन्हीं की औलादें यहाँ परवरिश पा रही हैं। less than 1% एनजीओ मुसलमानों में है, less than 1% आबादी तो आपके 15% सरकार के हिसाब से है, 15% होने के बावजूद एनजीओ का है, सामाजिक खिदमत का जज्बा ना के बराबर है, ऑर्गेनाइज कोई काम नहीं करते हैं, चाहे ह्यूमन राइट ग्रुप हो उसमें सारे गैर मुस्लिम हैं, आपको आपके और ग्रुप वीमेंस के ग्रुप हों उसमें भी गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे। मुसलमानों में सामाजिक काम करने का जज्बा बहुत कम है, इसीलिए मैं अक्सर बेशतरफी तकरीर में कहता हूँ कि अपने वक्त को निकाल के, अपने पैसों को निकाल के थोड़ा सा समाज के लिए काम करिए, कम्युनिटी के लिए वर्क कीजिए। जब तक ये नहीं करेंगे पॉलिटिकल बयान देने से
और व्हाट्सएप पे किसी को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, आप देख चुके हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए निकलना पड़ेगा। एजुकेशनल वर्क और कम्युनिटी वर्क में अगर लोग नहीं निकलेंगे तो सिचुएशन यही रहेगी, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, मुझे बोलने का मौका। हमारी नए साक्षात यूनिवर्सिटी के साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, आपसे तो पुराना लगाव भी है माशाल्लाह। जी जी जी, आप तो हमारे बहुत करम फरमा हैं और माशाल्लाह एक अच्छे चैनल से आप जुड़ गए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप हिंदुस्तान को पूरे देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आपने 100 साल होने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को याद रखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बोला।